और मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स मेरी शॉप का नाम है। आज फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ आपको सीलिंग फैन वायरिंग के बारे में। क्या होता है, कई मेरे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड्स हैं जो मशीन ले आते हैं वायरिंग के लिए और डाई ना सेट होने की वजह से वो उसकी वायरिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको आज डाई सेट करना और इसकी वायरिंग के बारे में बताऊँगा, जिससे आप लोग भी आराम से कर सकें। ओके तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी डाई है जिससे इससे बाहर की रनिंग भरी जाती है, और ये हमारी बड़ी डाई है जिससे अंदर की स्टार्टिंग भरी जाएगी। ओके तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इसको भरना चाहेंगे तो हमारी जो 18 नंबर की डाई है, जैसे हमारे 12 कॉइल की है, तो हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। जब हमारी मशीन पे लगेगी डाई तो हम इसको इस तरह से सेट करेंगे, जैसे ये हमने रख दिया, यहाँ से भी गैप दिखना चाहिए और यहाँ से भी गैप दिखना चाहिए। ओके तो फ्रेंड्स, हमने ये डाई तैयार कर ली है दोनों। इसमें इसको कसना होता है, इसके अंदर इस प्लेटों को मैंने इसके अंदर कस दिया है। अब हम देखो इस तरह से इसको सेट करेंगे मशीन में। गैपिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, अगर गैप कम हुआ आगे पीछे से तो वाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ओके ओके कल से हम पीछे से वाइंडिंग। ओके तो फ्रेंड्स, थोड़ा इसका ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा पंखा दोनों जो अंदर के खांचे हैं उन दोनों के बिल्कुल इसके सेंटर में रहना चाहिए। ओके ओके तो फ्रेंड्स, हमारी ये डाई तैयार हो चुकी है और हम वाइंडिंग शुरू करेंगे। ओके ओके फ्रेंड, देखिए मैंने जो बताया था आपको, यहाँ से बिल्कुल भी, यहाँ से हल्का सा गैप दिखना चाहिए और यहाँ से भी हल्का सा गैप दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अगर ये गैप बराबर रहेगा तो हमें वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके हम देखो इधर से भी सेट है, यहाँ से भी सेट है और यहाँ से भी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे 12 कोयलों की 12 कोयलों का पंखा है, तो 12 कोयल में जो हमें टन भरनी है हमें यहाँ से सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें 380 भरना है तो 380 भरने के लिए हमें यहाँ से 370 रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारी वायरिंग शुरू हो चुकी है। कागज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कागज़ अगर हम पकड़ के रखेंगे तो तार उसमें फंसेगा नहीं, ये पहली कोयल में ही दिक्कत आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे 380 टन हो चुका है पूरे, और हमें इसको छेड़ना नहीं है, ये रिवर्सिबल अपने आप होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ग्रीन दबाएंगे, पहले हमने रेड दबाया था, अब यहाँ से हम ग्रीन करेंगे। ग्रीन लाइट जल्दी है तो ग्रीन ही दबाएंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी वाइंडिंग पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे 3 और 12 के 12 कॉइल हमारी डल चुकी हैं। ओके और हमने इसको स्टेटर को निकाल लिया, और हम इसमें कागज़ लगाएंगे सब जगह पे 12 12 कॉइल में। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें कागज़ लगाएंगे, पेपर लगाएंगे इसमें और फिटिंग करके, इसके साइज का ही पेपर काटना है। ओके ओके मैं पेपर का पूरा ध्यान रखना है, दोनों तरफ से गैप बराबर होना चाहिए।
और कोई का तार इसके बीच में ना लट रहे उसका भी ध्यान देना है। ओके ओके फ्रेंड, तो ये हमारे सारे पेपर लग चुके हैं, अब हम इसको बाहर से बांधने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पेपर ही कटिंग करनी पड़ेगी और बिल्कुल इसी के साइज का पेपर लगा के हमें इसको लगाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे सारे पेपर लग चुके हैं, हम इसको बांधने की तैयारी करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी हमारी डाई है जो ऊपर लगेगी, ऊपर में भी इसी तरह से हमें गैपिंग का ध्यान रखना है, जिस तरह से इसमें उसमें ध्यान रखा था। इसमें डाई यहाँ तक सेट होगी, सिर्फ दोनों साइड से खाली रहेगा गैप और इस तरह से सेट होगी। ठीक है ओके, मेरे मुँह में तो फ्रेंड्स, हमारी ये डाई सेट हो चुकी है इस तरह से, बिल्कुल गैपिंग का बराबर ध्यान रखना है। ओके, अब हमें फ्रेंड्स यहाँ से इसके ऊपर भरने के लिए 20 टन बनानी पड़ेगी। हमें अब यहाँ आएगा 400 और यहाँ रखना है 390। ओके हमारे ऊपर की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको पंखे को निकालेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरी वाइंडिंग हो चुकी है तैयार। ओके
फ्रेंड्स, हमारे सारे पेपर लग चुके हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। हमें इसका ध्यान रखना है, जो शुरू की कॉइल होती है और लास्ट की कॉइल होती है, इसके बीच में पेपर जरूर लगाना जिससे यहाँ पे शॉर्ट ना हो जाए, ओके। दोनों में लगाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह से लग चुका है दोनों तरफ से, ओके। हमें कनेक्शन निकालने से पहले कॉइल में इस तार को लपेटना है, जिससे कि तार कनेक्शन निकालते समय तार ये टूट ना जाए। अगर ये टूट गई तो एक कॉइल ख़राब हो जाएगी, तो ये सेफ्टी के लिए हमने इसको लपेट लिया है, ओके। ओके फ्रेंड्स, हमारे चारों तारें लपेट चुकी हैं और हम इसको बराबर कर लेते हैं, ओके। इसकी इंसुलेशन उतारने के लिए हमें माचिस से जलाना पड़ेगा, इससे इसकी कॉपर दिखने लग जाए, अब कनेक्शन चालू हो जाएगा, ओके। लाल तार के कनेक्शन हमेशा बाहर की कॉइल से होते हैं और काली तार के कनेक्शन अंदर वाले से। फ्रेंड्स, हमारे ये चारों कनेक्शन हो चुके हैं और हम सेफ्टी के लिए इसमें स्लिप डालेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, हमें इस तार को ऊपर लाने के लिए हमें यहाँ से एक तार डालनी पड़ेगी, हम चारों तारे इसमें बांध देंगे। हमारे सारे कनेक्शन ऊपर आ चुके हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, तो एक पेपर हमें तारों के बीच में लगाना होता है जिससे ये तार इससे शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि पंखा जब गर्म होता है ना तो इसको चिपकाता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इससे टच ना हो, इसलिए हमने सेफ्टी पेपर लगा दिया, ओके। फ्रेंड्स, हमने ये धागा इसलिए बांधा है कि कल कनेक्शन पंखे में करते समय अगर ये तार गलती से खींचे तो यहाँ से निकल ना जाए, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए इसको बांध दिया और पंखे से ना लड़े, ओके। तो फ्रेंड, इसको मजबूत करने के लिए हमें वार्निश डालना पड़ेगा, वार्निश डालने के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप देना पड़ेगा इसको सुखाने के लिए। जब 3 घंटे बाद ये सूख जाएगा तो हमारा पंखा तैयार हो चुका है और चलने के लायक हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फैन तैयार हो चुका है और बहुत ही इजी है इसको बांधना, आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा और आप समझ ही चुके होंगे, ओके फ्रेंड्स।